तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका ईवी टॉय टीवी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये बिग नर्व गन। ये है फ्लाई व्हील पावर्ड मैगजीन फेड सेमी ऑटोमेटिक गन, जो कि नर्व अल्फा स्ट्राइक सीरीज़ का फ्लाइट CS-10 मॉडल है। इस गन के साथ 20 डार्ट्स आते हैं और ये गन 8 साल से ऊपर की एज के बच्चों के लिए है। चलो तो अब हम इस गन को निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। इस गन के साथ हमें येलो कलर के डार्ट मिलते हैं, साथ ही हमें मिलती है ये इंस्ट्रक्शन गाइड जिसमें गन के सारे पार्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं और साथ ही साथ इस गन को कैसे यूज़ करना है ये भी बताया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको इस गन का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। इस गन में आता है इंस्ट्राइक बैरल लग, दैट मीन्स आप इस गन में अलग अलग बैरल अटैच कर सकते हैं। ये है इस गन का बैटरी पैक, जहाँ लगती हैं 4 AA बैटरीज। यहाँ ऊपर लगी हुई है ये टेक्टिकल रेल, तो आप इसमें अलग से स्कोप भी अटैच कर सकते हैं। ये इसका अनजैम सेक्शन है, तो अगर कभी फायरिंग के टाइम कोई डार्ट जैम हो जाता है तो आप इसे यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये इसकी 10 राउंड कैपेसिटी मैगजीन। इसमें आगे 2 स्लिंग माउंट दिए हुए हैं। ये है इसका रैप ट्रिगर, जिसे हमें प्रेस करना होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए फायरिंग करने से पहले। जब तक हम रैप ट्रिगर प्रेस नहीं करते तब तक हम ट्रिगर प्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिगर लॉक रहता है। इस गन की ग्रिफ बहुत स्मॉल एंड बिग हैंड के लिए कंफर्टेबल है। ये है मैगजीन रिलीज बटन। मैगजीन पुल करते टाइम हमें इस बटन को प्रेस करना होता है, पर ये बटन बहुत हार्ड है प्रेस करना। साथ ही इसमें मैगजीन को लोड करना भी बहुत हार्ड है, क्योंकि मैगजीन लोड करते टाइम अटकती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि मैगजीन लोड करते टाइम भी आपको बटन को पुश करना होगा, जो कि सच में बहुत ही ख़राब डिज़ाइन है नर्व की साइड से। ये है इस गन का स्टॉक। ये एक फिक्स स्टॉक है और ये एडजस्टेबल भी नहीं है। बैटरीज को लोड करने के लिए हमें इस कवर को खोलना होता है। इसमें 4 AA बैटरी लगती हैं, तो हम बैटरी को कर लेते हैं इसमें इंस्टॉल। अब हम जब इस रैप ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो मोटर चलने लगेगी। अब हम कुछ डार्ट को मैगजीन में लोड कर लेते हैं। और गन को फायर करके देखते हैं। इस गन का वेट 757 ग्राम है, जो कि थोड़ा हैवी साइड में ही है। चलो तो अब हम कर लेते हैं इस गन की फायर टेस्टिंग। लेट्स गो। मेरी फाइनल ओपिनियन इस गन के लिए फुल्ली पॉजिटिव नहीं है। टेस्टिंग के टाइम कुछ नेगेटिव पॉइंट मुझे लगे, जैसे कि फ्लाई व्हील इतना पावरफुल नहीं है तो फायर वेलोसिटी कम है। दूसरा, बैटरी की पावर थोड़ी भी कम होने पर कभी कभी डार्ट जाम हो जाता है। और सबसे नेगेटिव जो मुझे लगा वो है मैगजीन पुल एंड पुश। मैगजीन पुल करने के लिए जो बटन है वो इतना हार्ड है कि उसे एक फिंगर से पुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब मुझे उसे प्रेस करने में इतना प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चों के लिए तो एक हाथ से प्रेस करना इम्पॉसिबल है। तो ये हैं इस गन की सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।